India's best learning app. हेलो एंड वेलकम ऑन सीबीएसई जंक्शन ऐप के क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। हम अपने क्लास टेंथ के सभी बच्चों का फिर से स्वागत करते हैं एसे टू के सिलेबस में। अभी आपने एसे वन की सिलेबस को कंप्लीट किया, जिसमें हम लोगों ने रिप्रोडक्शन तक की बातों को पढ़ा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन तक पढ़ा। एसे टू में हमारा रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, आवर इन्वॉल्वमेंट, इनकी अध्ययन करेंगे। बच्चों एग्ज़ाम में समान रूप से सभी चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं। कई सारे बच्चों से पढ़ाई के दरमियान मैंने सुना कि हेरिडिटी और एवोल्यूशन चैप्टर बहुत ही भारी है, जल्दी से समझ में नहीं आता है और बहुत सारी असुविधाएँ होती हैं टर्मोलॉजीज को लेकर के, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है। कुछ बच्चों ने कहा कि सर ग्रेगर जॉन मेंडल का दिया हुआ थ्योरी समझ में नहीं आता है, और भी बहुत सारी बातें हैं उन लोगों ने बताया। लेकिन बच्चों यदि आप बारीकी से इस चैप्टर को पढ़ेंगे, ध्यान से इस चैप्टर को समझेंगे, इस वीडियो को बहुत ही केयरफुली सुनेंगे, तो मैं 100% श्योर हूँ कि आपको कोई परेशानी नहीं आने जा रही है। यू विल डन अ वेरी बेटर इन दिस चैप्टर, और मेरा दावा है कि सबसे आसान चैप्टर आपके लिए ये बनने जा रहा है। तो बच्चे बहुत ही बारीकी से सुनेंगे, समझेंगे और इसको लेकर के कैरी करेंगे। माता पिता का गुण, पेरेंटल कैरेक्टर, हाउ गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग, हम लोग इस चैप्टर में इन्हीं बातों का डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एक बार फिर से हमारे सीबीएसई जंक्शन ऐप में के क्लासरूम में आपका स्वागत है, और शुरू करते हैं हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन से। तो बच्चों स्टडी ऑफ द हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, यानी हेरिडिटी और एवोल्यूशन को कंबाइंडली स्टडी करने को हमने जेनेटिक्स कहा। जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। दीज टू टर्म्स, फर्स्ट वन इज द हेरिडिटी, सेकेंड वन इज द एवोल्यूशन, दीज टू टर्म्स टूगेदर इज नोन एज जेनेटिक्स। इन द जेनेटिक्स वी हैव टू स्टडी अबाउट द हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। नाउ द सेकेंड टर्म इज द हेरिडिटी। वट इज द मीनिंग ऑफ, एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द हेरिडिटी? तो हेरिडिटी रेफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ पेरेंटल कैरेक्टर टू ऑफ स्प्रिंग, हाउ द कैरेक्टर विल ट्रांसफर फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग। तो द एग्जैक्ट मैकेनिज्म, the exact mechanism of the transfer of parental character to the offspring comes under the heading of heredity. So in heredity we have to study about the transfer of parental character to offspring, how it is get transferred, and second one is the heredity and evolution. So second term is the evolution. What is the evolution? So the gradual complexity get increases in a simple organism. जैसा आपने सुना है, आप जानते हैं कि हमारे जो एनिमल विंग्स है इनकी शुरुआत प्रोटोजोअन से हुई थी। प्रोटोजोअन मतलब प्रोटो मतलब फर्स्ट, जोअन मतलब एनिमल, मतलब पहला एनिमल इस पृथ्वी पर का अमीबा था, प्रोटोजोअन्स थे, और प्रोटोजोअन से हमारी सफर तय हुई कहाँ तक, मेमेलियंस यानी ह्यूमन बींग्स तक। तो आप तक की जो सफ़र है, अमीबा से आप तक की जो सफ़र है, ये क्या है? ये कॉम्प्लेक्सिटी में वृद्धि है। आप एक सिंपल सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से मिलियन एंड ट्रिलियन सेल वाले ऑर्गेनिजम्स बने, तो यह सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जो रास्ता आपने ट्रेवल किया, द वे विच वी हैव कवर्ड फ्रॉम द सिंपल वन यानी सिंपलर वन टू अ वेरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, तो ये जो सफ़र है इसी को तो हम लोग इवोल्यूशन कहते हैं। तो इवोल्यूशन का अर्थ हो गया ऑर्गेनिज्म, द ग्रेजुअल कॉम्प्लेक्सिटी इन अ ऑर्गेनिजम्स। तो हेरिडिटी का मतलब ट्रांसफर ऑफ पेरेंटल कैरेक्टर, और इवोल्यूशन का मतलब इंक्रीजिंग इन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। तो ये दो टर्म हैं, जिन दो टर्म्स को हम एक साथ जेनेटिक्स में स्टडी करेंगे, ठीक है? तो यहाँ तक में हमको लगता है कि आप समझ गए होंगे कि हेरिडिटी क्या होता है, एवोल्यूशन क्या होता है, ठीक है?
अब हम लोग आगे बात करते हैं कि द जो पेरेंटल कैरेक्टर ऑफ स्प्रिंग्स में जाते हैं ये दो तरह के होते हैं. पेरेंटल कैरेक्टर विच गेट ट्रांसफर टू द ऑफ स्प्रिंग इज ऑफ टू टाइप्स. नंबर वन में हम लोग बात करेंगे सोमेटिक की, सोमेटिक वेरिएशंस, और दूसरा बात करेंगे हम लोग जिसको कि हम लोग कहेंगे गैमेटिक वेरिएशन. तो सोमेटिक वेरिएशन करने का मतलब हो गया कि द वेरिएशन विच अकर्स इन द सोमेटिक सेल. अब भैया आप सोच रहे होंगे कि ये सोमेटिक सेल क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोमेटिक सेल. तो कहेंगे कि सोमेटिक वेरिएशन इज दैट वेरिएशन विच कैन नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम द पेरेंटल बॉडी टू द ऑफस्प्रिंग बॉडी. सपोज करो कि वे एक्सरसाइज करके अपने बॉडी को बढ़ाते हैं, खूब सारा मेहनत करके आप खूब वर्जिश वर्जिश करके अपने आप को मोटे कर लेते हो, अपने मसल्स को बना लेते हो, तो क्या ये आपके बाइसेप्स ट्राइसेप्स आपके ऑफस्प्रिंग तक जाएंगे? नहीं जा सकते हैं. क्यों? क्योंकि यह सोमेटिक वेरिएशन है, यानी दोज वेरिएशन विच कैन नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. दोज वेरिएशन विच कैन नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड सोमेटिक वेरिएशन. और इस सोमेटिक वेरिएशन को हम लोग एक और टर्म से डिफाइन करते हैं बच्चों, और वो है एक्वायर्ड ट्रेट्स. एक्वायर्ड ट्रेट्स का मतलब कि जो आपने अर्जित किया, आपके शरीर में अर्जित किया, ठीक है. तो ये पेरेंटल कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग तक ट्रांसफर नहीं होंगे, यानी सोमेटिक वेरिएशन विल नॉट ट्रांसफर फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. तो ये बात तो यहां से एकदम तय हो गई कि आप अपने जीवन काल में अपने अंदर जितनी भी परिवर्तन लाते हैं वह परिवर्तन दो तरह के होंगे. पहला वेरिएशन होगा, यानी पहला परिवर्तन को हम लोग सोमेटिक वेरिएशन कहेंगे. सोमेटिक वेरिएशंस आर दोज विच कैन नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. और दूसरा होगा गैमेटिक वेरिएशन. गैमेटिक वेरिएशन वो वेरिएशंस हैं जो जर्म सेल्स में होते हैं, यानी कि यह सीमेंस में हो सकता है, यह ओवम में हो सकता है, यानी कि यह टेस्टिस और ओवरी के सेल्स में कोड होने वाला चेंजेस है. यानी दोज वेरिएशंस विच इज गेट कोडेड इन द ऑफस्प्रिंग्स इन द पेरेंटल जेनेटिकल रीजन. तो जो पेरेंटल जेनेटिकल रीजन में जमा हो जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको कहेंगे गैमेटिक वेरिएशन. उसको क्या कहेंगे? गैमेटिक वेरिएशन. और यह निश्चित तौर पे पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफर होगा. इट विल ट्रांसफर फ्रॉम द पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग. तो आप समझ गए होंगे यहां से कि सोमेटिक वेरिएशन किसको कहेंगे और गैमेटिक वेरिएशन किसको कहेंगे. तो आप गैमेटिक वेरिएशन को जेनेटिकल वेरिएशंस के नाम से भी जान सकते हैं, और इसको हम लोग इनहेरिटेड ट्रेट्स भी कहते हैं. इसको क्या कहेंगे बच्चों? इनहेरिटेड ट्रेट्स. ये आपका इनहेरिटेड ट्रेट्स में आता है. तो आप यहां से इसको थोड़ा सा नोट डाउन करेंगे कि दोज ट्रेट्स विच गेट ट्रांसफर फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, दोज ट्रेट्स विच ट्रांसफर फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड इनहेरिटेड ट्रेट्स. यानी वो सारे कैरेक्टर जो पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफर होते हैं दैट विल बी इनहेरिटेड ट्रेट्स. अब आप सोच रहे होंगे कि कौन सा कैरेक्टर ट्रांसफर होगा, कौन सा नहीं कैरेक्टर ट्रांसफर होगा. तो आपने देखा होगा कि एक छोटा सा बच्चा जब जन्म लेता है तो लोग उसको देखते हैं, कहते हैं क्या बच्चे का नाक जो है इसके पिताजी से मिलता है, इसका जो चेहरा है वो दादाजी से मिलता है, अरे अरे देखो इसका ओठ जो है सो इसके मामा जैसा हो गया. तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ये सारे जो आपके शारीरिक बनावट हैं, यह शारीरिक बनावट आपके पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफर हुए हैं. तो यह पेरेंटल कैरेक्टर का जब ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है तो जो कैरेक्टर ट्रांसफर होगा उसको हम लोग इनहेरिटेड ट्रेट्स कहेंगे. इसको क्या कहेंगे? इनहेरिटेड ट्रेट्स. अब दूसरी तरफ चलिए. आपने देखा होगा कि एक पहलवान का बच्चा,
एक पहलवान के घर में बच्चे का जन्म होता है तो क्या उसके बाइसेप्स बने हुए होते हैं? वो यूं बॉडी करके अपना बाइसेप्स तो नहीं दिखा सकता है, क्यों उसके बाइसेप्स क्यों नहीं बने हुए हैं? क्या वो बिना वर्जिश किए हुए, बिना मेहनत किए हुए, बिना एक्सरसाइज किए हुए पहलवान बन सकता है? क्या नहीं बन सकता है? क्यों नहीं बन सकता है? क्योंकि ये जो पहलवान वाली कैरेक्टर थी, जो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स थे, जो आपके मसल्स का डेवलपमेंट था, यह आपका नॉन इनहेरिटेड ट्रेट्स के रूप में कंसीडर होगा, यानी कि दिस कैरेक्टर विल नॉट ट्रांसफर फ्रॉम द पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग्स। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे यहाँ तक में, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों, जब हम लोग बात कर रहे थे वेरिएशन की, देखिए इस पूरे जेनेटिक्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म हमारा है वो वेरिएशन ही है। यानी हम क्या हैं कि वेरिएशन इज द की ऑफ द जेनेटिक्स, तो गलत नहीं होगा। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि वेरिएशन का क्या क्या इम्पॉर्टेंस है, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन फॉर अस। तो सबसे पहले अभी इम्पॉर्टेंस में आप इसको राइट डाउन कर लें तो अच्छा रहेगा कि यह हमारा जो हेरिडिटी का बेसिस, यानी कि इसका आधारभूत संरचना है। यानी पूरे जेनेटिक्स में हमारा जो हेरिडिटी है, इट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। दूसरा कि यह हमारे इवोल्यूशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। क्यों? क्योंकि कहते हैं एक्यूमुलेशन का मतलब होता है जमा होना, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन काउज व्हाट इट काउज द स्पेसिएशन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्पेसिएशन क्या होता है, हम आगे इस टर्म का चर्चा करने वाले हैं, बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे स्पेसिएशन क्या होता है। लेकिन यहाँ मोटे तौर पे आप समझ लीजिए कि स्पेसिएशन इज द ऑरिजिन ऑफ न्यू स्पेसीज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग। आप सपोज करो कि आपने स्लाइडन एंड स्वान का थ्योरी पढ़ा होगा साइटोलॉजी में, क्लास टेंथ में। स्लाइडन एंड स्वान की थ्योरी में कहा गया कि सेल्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, लाइक दैट ऑर्गेनिज्म इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स। प्रोटोजोअन से पॉलीफेरन्स का निर्माण हुआ, ऐसा बात हम लोग मानते हैं कि प्रोटोजोअन से पॉलीफेरन का निर्माण हुआ। तो एक्यूमुलेशन ऑफ द वेरिएशन इन द प्रोटोजोअन काउजेस द ओरिजिनेशन ऑफ पॉलीफेरन्स। बात समझ रहे हैं? तो पॉलीफेरन का निर्माण प्रोटोजोअन इवोल्यूशन के जरिए हुआ, यानी वहां सिंपल ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का निर्माण हुआ। तो इस तरह से आपका जो वेरिएशन है, यही वेरिएशन चेंजेस इन द पेरेंटल कैरेक्टर्स है ना, तो यह वेरिएशन जमा होते गए और जमा होकर के इवोल्यूशन को भी क्रिएट किया। तो हम लोग पहला समझे कि इट इज़ द बेसिस ऑफ हेरिडिटी, दूसरा इट इज़ द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। अब तीसरी बात करेंगे हम लोग, इट इंक्रीज द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू चेंजिंग इन द एनवायरनमेंट। यानी ये सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, बदलते वातावरण में ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल में ये मदद करते हैं। कौन? वेरिएशन। वेरिएशन इज द काउजेटिव एजेंट ऑफ द एडेप्टेशन। एडेप्टेशन क्या होता है? चेंजेस इन योर हैबिट्स एंड हैबिटेट एज पर चेंज इन द एनवायरनमेंट। वातावरण में हो रहे चेंज के अकॉर्डिंगली जब आपके शरीर में परिवर्तन होने लगता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एडेप्टेशन कहते हैं। और ये एडेप्टेशन के लिए वेरिएशन बहुत कंपलसरी है। एडेप्टेशन के लिए वेरिएशन क्या है? बहुत कंपलसरी है। तो बच्चों, यहाँ हम लोगों ने देखा इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। तो वेरिएशन के वजह से क्या क्या होता है? हेरिडिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है, इवोल्यूशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ ये क्या है? चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली आपके सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारे फैक्टर्स को हम लोगों ने देखा कि हाउ इट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब अगला पॉइंट की बात करेंगे, दैट इज द काउज ऑफ वेरिएशन। तो काउज ऑफ वेरिएशन क्या है? तो सबसे पहला जो हमारा काउज ऑफ वेरिएशन है, दैट इज द म्यूटेशन। इस टर्म को आप याद रखना, म्यूटेशन।
म्यूटेशन क्या होता है? सडन चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द, या आप कहें कि सडन चेंज इन द ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म में सडन चेंज हो जाते हैं उसी को हम लोग म्यूटेशन कहते हैं। रिकॉम्बिनेशन एंड रैंडम मैटिंग, रिकॉम्बिनेशन एंड रैंडम मैटिंग यानी इंट्रा स्पेसीज मैटिंग के जरिए भी चेंजेस यानी वेरिएशन को काउज किया जा सकता है। तो आप इस टर्म को भी लिख लेंगे, इस सबको हम डिटेल में डिस्क्रिप्ट करेंगे, रिकॉम्बिनेशन एंड रैंडम मैटिंग। नेक्स्ट है हमारा रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर, ये डीएनए के रिप्लिकेशन के दरमियान होने वाला एक प्रोसेस है, क्रॉसिंग ओवर या काइजमाटा फॉर्मेशन, या फिर जो प्यूरिन और पिरामिडिन्स हैं उनके सॉल्ट्स के डिस्प्लेसमेंट की बातें, इन सब की चर्चा हम लोग करेंगे। ये भी कारण हो सकता है यानी क्रॉसिंग ओवर या काइजमाटा फॉर्मेशन, रैंडम मैटिंग और म्यूटेशन, यह इम्पॉर्टेंट रीज़न हो सकते हैं वेरिएशन का, जिसके दरमियान क्या होता है, एक्सचेंज होता है क्रोमोजोम में, डीएनए का एक्सचेंज होता है गैमेट फॉर्मेशन के दरमियान, बहुत सारे डिवीज़न की प्रक्रियाओं में चेंजेज आते हैं। ये सभी कारण हो सकते हैं जेनेटिक वेरिएशन का, और इस जेनेटिक वेरिएशन के कारण यानी सोमेटिक हो या जेनेटिक वेरिएशंस को काउज करने के लिए ये सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं। इन सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज और इन सारे फैक्टर्स को पढ़ने के दरमियान एक थ्योरी जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बन के हम लोगों के सामने आती है, और वो थ्योरी हमारे इन सारे वेरिएशंस और बाकी जो जेनेटिक्स के मूलभूत समस्याएं, जो सवाल थे उन सवालों को यानी बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व करने के दरमियान जो थ्योरी हमारी सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगी वो थ्योरी है मेंडल्स लॉ। जीजे मेंडल्स यानी ग्रेगर जॉन मेंडल, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन मॉन्क थे, इन्होंने एक बड़ा ही अच्छा एक्सपेरिमेंट किया पाइसम सेटिवम यानी कि गार्डन पी के ऊपर, और इनकी जो एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन्स सामने आए उस कंक्लूजन ने उन सारे सवालों का जवाब सामने लाकर रख दिया जो मानव मस्तिष्क में बार बार उठते थे। आपके मन में भी सवाल उठते होंगे, लेकिन आज उन सारी समस्याओं का, उन सारे सवालों का जवाब हम लोगों को ग्रेगर जॉन मेंडल के इस थ्योरी के साथ ही मिल जाएगा, यानी ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन बींग्स से रिलेटेड आपके बहुत सारे सवालों का जवाब आपको बड़ी आसानी से यहीं से मिलने वाली है। तो बात करते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल के थ्योरी की। इन्होंने कई सारे कैरेक्टर्स को आधार बना करके गार्डन पी यानी कि पाइसम सेटिवम के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, और इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को चुना, वो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर कौन कौन से थे? तो सबसे पहला हमारा था सीड। सीड कैसे हैं? सीड में उन्होंने जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर चुना, सबसे पहला कॉटिलीडन्स, तो भाई ये आपका ग्रे एंड राउंड और ये येलो, तो ग्रे एंड राउंड, दूसरा येलो। इसी तरह से दूसरा कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हो गया व्हाइट एंड ब्रिंकल्ड, यानी सीड कितने तरह के? दो तरह के, पहला ग्रे एंड राउंड, दूसरा व्हाइट एंड ब्रिंकल्ड। कॉटिलीडन्स के जो कलर थे वो कैसे थे? ग्रे एंड राउंड के येलो कलर और वाइट एंड ब्रिंकल्ड के ग्रीन कलर। दूसरा जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर की चुनाव हुई वो थी फ्लावर। अब भाई फ्लावर कैसे होंगे? तो फ्लावर दो कलर के, एक वाइट कलर के फ्लावर और दूसरा वायलेट कलर का फ्लावर।
तो यहाँ से हमारे दो कैरेक्टर फ्लावर के आधार पे, कौन कौन से कलर के आधार पे, तो हमारा एक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर था सीड और दूसरा फ्लावर। तीसरा कंट्रास्टिंग कैरेक्टर उन्होंने चुना पॉड। पॉड बोलते हैं फल्ली को, यानी कि जो मटर आपके घर में आता है जिसको आप खोलते हो और उसमें से दाने को निकाल के सब्जी बनाते हो, तो वो जो पॉड है उस पॉड को तीसरा कैरेक्टर के रूप में हम लोगों ने लिया। जैसे एक था फूल, यानी कि एक जैसा शेप में कहीं भी कोई इरेगुलरिटीज नहीं है, इस फिगर को आप ध्यान से देखेंगे कोई इरेगुलरिटीज नहीं है। लेकिन दूसरा हम देखिए ये कंस्ट्रिक्टेड है ना, तो हम लोगों ने पॉड के शेप को कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के रूप में लिया कि एक फूल होंगे दूसरे कंस्ट्रिक्टेड होंगे। फिर कलर को भी बेस बनाया, कलर में क्या येलो कलर का पॉड्स और ग्रीन कलर का पॉड्स। तो सीड के आधार पे हमने पहले कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के रूप में सीड के कलर और शेप को लिया, फ्लावर के कलर को लिया, पॉड के कलर को लिया और पॉड के शेप को लिया। अब हम लोग बात करेंगे स्टीम की। तो स्टीम में हम लोगों ने पहले साइज को लिया, साइज में एक हमारा ड्वार्फ प्लांट था और एक लॉन्ग प्लांट था। तो ड्वार प्लांट की तो साइज डिफर कर सकती है, जैसे कि एक फीट से लेकर 3 फीट या 2 फीट तक, जबकि लॉन्ग प्लांट आपका 6 से 7 फीट का होता था। तो 1 फीट मतलब लेस और मोर देन 1 फीट वाले को ड्वार्फ और 6 से 7 फीट वाले को हम लोगों ने लॉन्ग। तो इस तरह से ड्वार्फ और लॉन्ग प्लांट के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। और फिर हम लोगों ने क्या कंसीडर किया, तो पॉड के प्रेजेंस को बेस बनाया। तो पॉड का प्रेजेंस कैसे होगा बच्चों, जरा यहाँ ध्यान देने लायक बात है, इस फिगर से समझेंगे। देखिए मान लेते हैं कि ये स्टेम है हमारे पाइसम सेटिवम का और ये इसका लीफ है, ये इसका लीफ है। अभी आप देखो ध्यान से, अगर पॉड यहाँ पे बनता है, ये अगर हमारा पॉड बनता है तो इसको हम लोग कहेंगे एक्सियल, इसको क्या कहेंगे एक्सियल। लेकिन अगर ये पॉड यहाँ बनते हैं यहाँ, तो इसको कहेंगे टर्मिनल, इसको क्या कहेंगे टर्मिनल। तो ये देखो एकदम, अगर इसके हेड पे पॉड बन रहे हैं तो ये हो गए एक्सियल, और अगर इसके जो साइड में इंटरकैलरी बडिंग होता है तो इसको हम लोग कहेंगे टर्मिनल। ठीक है तो एक्सियल और टर्मिनल ये दो तरह के, सॉरी ये हो गए हमारे क्या, तो ये टर्मिनल हो गए, मैंने उल्टा लिख दिया, ये टर्मिनल हो गए और ये क्या हो गए, ये हो गए एक्सियल। ठीक है, एक्सियल और टर्मिनल, इस तरह से आपके पौधों का जो है फ्लावरिंग होगा। तो फ्लावरिंग को भी हमने एक कैरेक्टर माना, साइज ऑफ द प्लांट, जो प्लांट का साइज था, और प्लांट में किस तरह से ये लगते हैं इसको भी हमने माना। ये दो मेथड्स हैं जिसके ज़रिए हम पौधों, ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं जिसको कि आधार बनाया हमने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने आधार बनाया अपने स्टडी का। अब देखते हैं कि क्यों पाइसम सेटिवम का ही सिलेक्शन किया ग्रेगर जॉन मेंडल ने, क्यों नहीं उन्होंने कुछ और को चुना। आम को चुन सकते थे, लीची को चुन सकते थे, उन्होंने पाइसम सेटिवम का ही चुनाव क्यों किया। तो उसका जो सबसे प्रमुख कारण था वो था शॉर्ट लाइफ साइकिल, यानी छोटा सा लाइफ साइकिल। यह 2 से 3 महीने में तैयार हो जाते हैं, साल में 4 फसल आप इसके लेंगे तो 4 बार हम लोगों को रिजल्ट कंपेयर करने का मौका मिलता। परंतु यदि हम इनके, यदि हम आम का पेड़ ले लेते तो आम में 15 से 20 साल उसकी लाइफ स्पान होती है, तो अब सोचो कि आप कितने रिजल्ट को फाइंड आउट कर पाते अपने लाइफ में।
इसीलिए शॉर्ट लाइफ साइकिल वाला प्लांट का चुनाव करना जरूरी था। दूसरी बात कि लार्ज नंबर ऑफ द सीड प्रोडक्शन, ज़्यादा मात्रा में सीड होने के कारण हमारा कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द रिजल्ट, यानी कि रिजल्ट की कंपैरेटिव स्टडी करना आसान हो पाया। सेल्फ पॉलिनेशन, अब ये सेल्फ पॉलिनेशन होने के कारण कैरेक्टर का ट्रांसफ़र होने की जो पॉसिबिलिटीज़ थे वो मिनिमम थे। अगर मान लीजिए कि क्रॉस पॉलिनेशन होता तो अलग अलग वेराइटीज़ के मटर के बीच में क्रॉस होता और हम करस्पॉन्डिंग रिजल्ट को फाइंड नहीं कर पाते, बल्कि हर बार हमारी डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट्स आती। सेल्फ पॉलिनेशन होने के कारण जो भी वेरिएशंस आएंगे वो इनके अपने डीएनए रिकॉम्बिनेशन या अपने क्रोमोसोमल रिकॉम्बिनेशन के कारण होगा। ऐसा ये रीज़न था सेल्फ पॉलिनेशन वाले पौधे के चुनाव का। तो ये रीजंस हम लोग पढ़ रहे हैं जिस रीजंस के कारण इनका चुना गया। साथ ही साथ अभी हमने कई सारे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को भी जाना कि ऑन द बेसिस ऑफ दैट कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स वी विल बी एबल टू स्टडी मोर एंड मोर वेरिएशंस एंड द रीजन ऑफ वेरिएशंस इन द पाइसम सैटिवम। तो सेवरल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होने के कारण भी हमने पाइसम सेटिवम, मतलब ग्रेगर जॉन मेंडल ने पाइसम सेटिवम का सिलेक्शन किया। तो अब आप यहाँ से समझ गए होंगे कि वाई द गार्डन पी इज सेलेक्टेड फॉर देयर एक्सपेरिमेंट। अब बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट ग्रेगर जॉन मेंडल गिवेन या प्रपोज अ थ्योरी दैट इज कॉल्ड मेंडल्स थ्योरी, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, मेंडल्स थ्योरी, यानी ग्रेगर जॉन मेंडल का दिया हुआ थ्योरी। और इस ग्रेगर जॉन मेंडल के दिए गए थ्योरी में जो हमारा सबसे पहला थ्योरी आता है सामने वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस। यानी ग्रेगर जॉन मेंडल के थ्योरी में एक थ्योरी है जिसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस को समझने के लिए आपको समझना होगा सबसे पहले एलिलीज, यानी दो डिफरेंट कैरेक्टर्स की बात करेंगे। एक फादर जो है वो फेयर इन कलर है और मदर जो है वो डल इन कलर है। आपको पता होगा कि क्रोमोजोम की संख्या हमारे बॉडी में कितनी है, 2x। क्रोमोजोम की संख्या कितनी है, 2x, यानी सभी क्रोमोजोम, हर कैरेक्टर के क्रोमोजोम आपके बॉडी में 2 in number होता है। तो आप देखो कि फादर में कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल क्रोमोजोम यानी फेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल क्रोमोजोम 2 थे और मदर में डल कलर के लिए 2 थे। ये जस्ट एग्जांपल समझाने के लिए मैं ले रहा हूँ। नाउ दिस सेल विल हैप्लोइड, और यहाँ क्या हुआ कि कैरेक्टर आधे हो गए। कैरेक्टर क्या हो गए, आधे हो गए, F and F। ठीक उसी तरह से मदर के भी हुए, डल कलर जो हैं ये 2 भागों में बट गए, D and D। नाउ द स्पर्म एंड ओवम गेट कम्बाइंस टूगेदर टू फॉर्म द जायगोट। तो अब इस जायगोट में फादर से कैरेक्टर गया F जो कि फेयर के लिए है और मदर से कैरेक्टर गया D यानी डल के लिए, यानी इस ऑफस्प्रिंग में ये दोनों कैरेक्टर मौजूद हैं, कौन, फेयर के भी और डल के भी। नाउ अब बच्चा क्या, बच्चे का कलर कैसा होगा, या तो वो फेयर होगा या डल होगा, ऐसा तो नहीं कि आधा फेयर आधा डल होगा। तो जो या तो फेयर होगा या डल होगा, तो सपोज करते हैं कि बच्चे का कलर जो है यहाँ पे क्या हो गया, डल हो गया। बच्चे का कलर क्या हो गया, डल हो गया। तो जो ये डल कलर है, इट प्रूव द डल कलर प्रूव दैट द मैटरनल क्रोमोजोम इज डोमिनेंट। ये क्या है, ये डोमिनेंट है और पेरेंटल कैरेक्टर जो
फादर का कैरेक्टर था फेयरनेस का, वो क्या हो गया, वो क्या हो गया, वो रिसेसिव हो गया। यानी दो एलेलिज में एक जो ऑर्गेनिज्म के अंदर अपनी अपियरेंस को डिटरमाइन करेंगे दैट विल बी कंसीडर एज द डोमिनेंट, और जो दूसरा सेगमेंट होगा उसको हम लोग कहेंगे रिसेसिव। यानी यहाँ से हम लोगों ने देखा कि किस तरह से मैटरनल क्रोमोजोम्स बिकम डोमिनेंट एंड पैटर्नल क्रोमोजोम्स बिकम रिसेसिव। तो यही थी थ्योरी ऑफ डोमिनेंस गिवन बाय ग्रेगर जॉन मेंडल। तो यहाँ से हमने थ्योरी ऑफ डोमिनेंस को पढ़ा। तो बच्चों आज के क्लास में हम लोग यहीं तक रखेंगे, अगले क्लास में हम लोग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से शुरू करेंगे। आप इस क्लास को पढ़ें, ध्यान से रिवीजन करें, बार बार पढ़ें, किसी तरह के सवाल रहने पे डाउट क्लास में आप हमसे संपर्क करें। मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि अभी तक मैं आपको किसी भी तरह के डाउट्स नहीं रहे होंगे। अगले क्लास में फिर अगली जानकारी के साथ हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। इंडियाज बेस्ट लर्निंग ऐप।